जी आज आपको बनाना सिखाएंगे दम पुख्त, और ये हमारे पठान बहन भाइयों की रवायती डिश है। तो इसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो लिख लीजिए। ये देखिए मेरे पास 2 किलो मटन का गोश्त, और ये मैंने इतना बड़े बड़े इसके पीस कर लिए हैं, इतने बड़े बड़े होने चाहिए। और ये देखिए साथ मैंने ये चर्बी ली है, फैट, मीट फैट आपको चाहिए होगा, तो ये तकरीबन मैंने आधा किलो लिया हुआ है। और इसके साथ हमें कुछ आलू चाहिए होंगे, तकरीबन 7 से 8। 3 हमें टमाटर चाहिए होंगे, आधा हमें लेमन जूस चाहिए होगा, 3 ये सब्ज़ मिर्ची चाहिए होंगी। काली मिर्ची आप अपने जायके के मुताबिक डालिए। वैसे ये लोग तो जब बनाते हैं काली मिर्ची का इस्तेमाल नहीं करते, तो मैं अपने लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। तो नमक अपने जायके के मुताबिक इस्तेमाल करें, और थोड़ा सा लहसुन हमें चाहिए होगा, तकरीबन 1 टेबल स्पून। तो अभी हम इसको आपको बनाने का तरीका बताएंगे। पहले इसको हमने हंडिया में इसको बिल्कुल तैयार करना है, फिर उसके बाद इसको कोयलों के ऊपर पकाएंगे। तो चलिए आप देखिए, ये मेरे पास हंडिया है, इतनी खुली आपको हंडिया चाहिए होगी। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने इसकी लेयरिंग लगानी है, जो हमने फैट लिया था, जो चर्बी हमने ली थी मटन की या लैम की किसी की भी, उसकी हमने लेयरिंग लगानी है। तो सबसे पहले हम इसकी लेयरिंग लगाएंगे। देखिए हमने जो चर्बी थी, जो फैट था, उसकी हमने एक लेयरिंग लगा ली है। तो अब इसके ऊपर हमने जो मीट लिया था वो डालेंगे। ये देखिए इस तरह अब एक मीट की लेयर लगेगी। ये देखिए हमने मीट की भी एक लेयर लगा दी है। तो अब इसके ऊपर आलू जाएंगे। ये देखिए आलू इसी तरह साबुत हमने धो के रखे थे, और इनको ऐसे डालेंगे। देखिए अब इसमें वो जो टमाटर बताए थे वो डालेंगे। आप चाहे तो छोटे भी साइज़ के भी ले सकते हैं, मेरे पास अभी यही थे तो मैंने 3 यूज़ किए। अगर छोटे हों तो आप 4 यूज़ कर सकते हैं। सब्ज़ मिर्ची अगर आप चाहें तो आप काट के इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं ऐसे साबुत इस्तेमाल करूँगी। और अब जो लेमन जूस आपको बताया था, ये देखिए मेरे पास, वो एक निचोड़ के इसके ऊपर डालेंगे ऐसे। इसमें कोई ऑयल नहीं जाएगा, क्योंकि जो हमने चर्बी डाली है, जो फैट डाला है, उसी के साथ ये पकेगी और दम पे पकेगी। इसको हमने 3 से 4 घंटे के लिए दम पे पकाना है, अच्छी तरह कोयलों पे रख के। तो तब जाके ये आपकी दम पुख्त और ऑथेंटिक रेसिपी तैयार होगी। हमने सारा इसमें टमाटर वगैरह, लेमन जूस, मिर्ची सब कुछ डाल दिया। अब हम इसमें नमक डालेंगे। नमक आप अपने जायके के मुताबिक डालिए। ये देखिए कितना नमक आप खाते हैं उतना डालिए। वैसे तो हमारे पठान बहन भाई सिर्फ नमक ही डालते हैं, लेकिन मैं इसमें थोड़ी काली मिर्ची भी इस्तेमाल करूँगी। तो 1 टेबल स्पून पहले मेरे पास काली मिर्ची है, यहाँ पे ऐसे छिड़किए ऊपर सारा इसके। तो जो लहसुन आपको बताया था वो भी हमने इसके ऊपर डालना है, तो उसको भी ऐसे करके हमने स्प्रिंकल करना है इसके ऊपर। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा गरम मसाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो मीट है उसमें थोड़ी सी स्मेल होती है, तो अदरक लहसुन और गरम मसाला इस्तेमाल करने से वो स्मेल भी ख़त्म हो जाती है। तो आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे थोड़ी ऑथेंटिक रेसिपी बना रही हूँ तो वो इस्तेमाल नहीं करूँगी। तो ये देखिए अब तैयार हो गई है। तो अब हमने ये देखिए, ये मेरे पास इसका ढक्कन है इस हंडिया का, तो इसको रखें गैस पे। और मेरे पास ये आटा है, ये वाला रोटी वाला आटा जो हमारे घर पड़ा होता है, गूंदा हुआ जो भी हो, तो उसको लेके, तो अब हमें इसको लंबा लंबा अच्छे देखिए रोल करना है। देखिए हमने आटे को अच्छी तरह रोल किया था। तो अब हमने जो हमारी लिड है हंडिया की, उसके ऊपर हमने उसके एजिस पे ऐसे लगाना है इसको, पूरा जो इसका ढक्कन है उसको हमने इसके साथ कवर करना है ऐसे आटा लगा के। ये देखिए ऐसे अच्छी तरह इसको कवर करेंगे, और यहाँ से इसको कट करके यहाँ पे थोड़ा सा लगा था, यहाँ पे और लगा देंगे। देखिए मैंने ढक्कन के ऊपर इस तरह आटा लगा दिया सारा। तो अब हम इसको ऐसे कवर करेंगे। ये देखिए इसमें कोई पानी, कोई ऑयल, कुछ भी नहीं जाएगा। और इसको ऐसे बंद करेंगे ढक्कन को अच्छी तरह से दबा के, ताकि इसमें सारी जो आटा जो हमने लगाया उसको दूसरी हंडिया के साथ सील करना है ऐसे दबा के अच्छी तरह से, ताकि इसमें जो दम होगा, जो स्टीम होगी, वो बाहर ना निकले। अच्छी तरह इसको दबाए, थोड़ा सा आटा ऐसे ऊपर भी कर दें। तो अभी हम आपको लेके चलेंगे गार्डन में हमारे, जहाँ पे हमारे कोयले तैयार हो रहे हैं दम के लिए। ये देखिए ऐसे अच्छी तरह इसको हमने सील करना है। तो चलिए अब आपको लेके चलते हैं हमारे गार्डन। देखिए हमारे गार्डन में ये कोयले वगैरह जल रहे हैं, तो अभी हम इसको सिर्फ बारबेक्यू में जला रहे हैं कोयलों को। जब ये अच्छी तरह जल जाएंगे तो फिर हम एक ईंटों का चूल्हा बनाएंगे, उसके ऊपर हम इसको दम पुख्त को पकाएंगे। तो अभी देखिए थोड़ा टाइम लगेगा कोयलों को जलने में, तो फिर आपको ये देखिए हमारा गार्डन जितनी देर में कोयले तैयार होते हैं तो आपको बताती चलूँ। ये हमने टमाटर यहाँ लगाए हैं,
टमाटरों के पौधे लगाए हुए हैं। तो हमने यहाँ धनिया भी लगाया हुआ था और पुदीना भी लगाया है, प्याज भी लगाए हैं। तो अभी आपको दिखाते हैं, ये टमाटर है और इस साइड पे देखिए, इस साइड पे हमने पुदीना लगाया है यहाँ पे। ये देखिए, ये सारा हमने पुदीना लगाया है। ये देखिए, सारा पुदीना लगा यहाँ पे। तो अभी आपको दिखाते हैं कि हमने प्याज पे हमने सारे प्याज लगाए हैं। तो अभी थोड़े थोड़े निकले हैं, ज़्यादा नहीं निकले। तो ये सारे हमारे प्याज हैं इस साइड पे। तो अभी हम गार्डन को क्लीनिंग भी कर रहे हैं, थोड़ी और सब्जियां लगाएंगे। मौसम आज यूके का बहुत अच्छा है, सब बहुत इंजॉय कर रहे हैं घर के बाहर और बहुत अच्छी रौनक लगी हुई है यहाँ पे। तो अभी कोयले जब तक बनते हैं तो मैं आपको थोड़ी सी अपने गार्डन की और आसपास की सैर करवा रही हूँ। ये देखिए, कोयले तैयार हो चुके हैं। तो यहाँ हमने ये प्रॉपर टिपिकल हमने ईंटों का चूल्हा बनाया यहाँ पर। तो इसके अंदर कोयले डाल रहे हैं और इसी के ऊपर हमारा दम पोख तैयार होगा। ये देखिए, ये बारबेक्यू में हमने कोयले चलाए थे और अभी ये बिल्कुल तैयार है। अब हम चूल्हे के अंदर डाल रहे हैं। तकरीबन इसके ऊपर 3 से 4 घंटे के लिए हमने इसको पकाना है, तब जाकर तैयार होगा। ये देखिए, अब हमारी हंडिया जा रही है इसके ऊपर और इसको आप 2 से 3 घंटे आपने छेड़ना नहीं, बस आप चेक करते रहिए कि आपके कोयले जो है जलते रहे, अगर बुझ जाएं तो और रखते जाएं। और 2 से 3 घंटे आपको इसी तरह दम के ऊपर रख के इसको पकाना होगा। तो हम आपको साथ साथ बताते भी जाएंगे और जब तैयार होगी फिर दिखाइए। हमारा दम पुख तैयार हो रहा है, इसको तकरीबन 2 घंटे हो गए थे यहाँ रखे हुए और कोयले देखिए कितनी अच्छी तरह जल चुके हैं। और इसके ऊपर मैंने पत्थर रख दिया था ताकि जो स्टीम बिल्कुल ना निकले। और यहाँ गार्डन में बहुत अच्छा मौसम है, इस टाइम बहुत अच्छी धूप निकली हुई है, सारे आसपास के लोग बाहर घूम रहे हैं, बातें कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। अभी आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये देखिए, ये सारे लोग आपस में बातें कर रहे हैं खड़े होके और बहुत इंजॉय कर रहे हैं। मौसम बहुत अच्छा यूके का इस वक्त हो रहा है। तो अभी तकरीबन इसको 2 घंटे हो गए दम पुख को। तो अभी मैं इसको दोबारा आपको तकरीबन 1 घंटे बाद दिखाऊंगी कि इसके कोयले ये जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाएंगे हम इसको खोलेंगे, तो 1.5 घंटा और लगेगा। तो फिर उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि इसका फाइनल। ये देखिए, अब मैं इसे खोलने जा रही हूँ। तो ये उतारने लगे हैं पत्थर, ये देखिए, अब हम इसको खोल लेंगे। तो मैं इसका ये आटा हटा रही हूँ यहाँ से, देखिए अब हम इसको खोलेंगे। ये देखिए, हमारा दम पुख तैयार हो चुका है। तो अब हम इसको सर्व करके भी आपको दिखाएंगे। और देखिए, गोश्त बिल्कुल ही गल चुका है, ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। तो अभी हम आपको इसको सर्व करके, ये देखिए हमारा दम पुख तैयार है और तकरीबन इसको मैंने 3 घंटे के लिए रखा है। तो आप जैसे देख सकते हैं, आलू वगैरह भी गल चुके हैं, मीट भी गल चुका है, सब कुछ स्टैंडर्ड हो चुका है। तो होप आपको रेसिपी हमारी अच्छी लगेगी। ये ऑथेंटिक वे है बनाने का इसको कोयलों के ऊपर। तो ज़रूर बनाइएगा और बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और कॉमेंट्स करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।